हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम सी ए वेद एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H के बारे में, जो कि बात करता है TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे जो सेक्शन है ये कब एप्लीकेबल होता है, किस पर एप्लीकेबल होता है, क्या इस TCS का रेट रहने वाला है, क्या क्या इसकी एक्सेप्शंस है, मीन्स जब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये सारी ही चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो TCS ऑन सेल ऑफ गुड होता है ये किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है और कब कलेक्ट किया जाता है और किस परसेंटेज से कलेक्ट किया जाता है। तो चलिए डिटेल में हम अपनी वीडियो को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में हम जान लेते हैं कि जो सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H है ये एप्लीकेबल जो होता है किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है या किस किस कंडीशन में एप्लीकेबल होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो कलेक्टेड किया जाता है, सबसे पहले तो आपको जानने की जरूरत है दोस्तों, जो ये जो TCS है इस सेक्शन के अंदर ये कलेक्ट किया जाता है सेलर के द्वारा, जो कलेक्ट किया जाता है बायर से। तो यहाँ पर जो सेलर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बायर से TCS कलेक्ट करने के लिए, अगर ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो ये जो तीन कंडीशन दोस्तों मैंने मेंशन की है यहाँ पे, 1, 2 एंड 3, तो ये जो सेक्शन है एप्लीकेबल होने के लिए तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर ये सेक्शन जो है एप्लीकेबल नहीं होने वाला है सेलर के ऊपर, मींस उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बायर से कलेक्ट करने की TCS, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहला तो आप देख ही पा रहे हैं कि सेल ऑफ गुड होना ज़रूरी है। अगर गुड्स का सेल नहीं होगा, सर्विसेज का सेल होगा तो उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा। बट वो भी कई बार एक डिस्प्यूट का इशू हो जाता है, क्योंकि जैसे सॉफ्टवेयर सर्विसेज होते हैं तो वहाँ पर सर्विसेज के साथ साथ गुड्स भी सेल कर देते हैं, तो वो एक अलग सिचुएशन हो सकती है। बट जनरली क्या होता है कि ये एप्लीकेबल होता है जब कोई आप गुड्स की सेल करते हैं उसके कंडीशन में। दूसरा आपको ये देख लेना है कि जो सेलर है वो ये देख लेगा कि जो उसकी टोटल सेल है, ग्रॉस रिसीप्ट है या फिर टर्नओवर है फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम, जो बिजनेस उसके द्वारा किया जा रहा है उसके अंदर जो उसकी सेल है या टर्नओवर है या ग्रॉस रिसीप्ट है वो 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, मीन्स पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ देखिए, मैंने जो आपको बताया है, जैसे कि अपना अगर मैं करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करूँ तो मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर 22-23 है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है, इमीडिएट जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, जैसे अगर 22-23 की बात करूँ तो इसमें जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होगा वो 21-22 होगा। तो आपको क्या है, पिछले साल में ये देख लेना है कि क्या आपका जो टर्नओवर था या टोटल सेल थी या ग्रॉस रिसिप्ट थी, क्या वो 10 करोड़ क्रॉस कर गई थी। तो सेकंड कंडीशन आपको ये चेक कर लेनी है। अगर आपकी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर आपको ये देख लेना है थर्ड कंडीशन में कि जो आपने अमाउंट रिसीव किया है टोटल सेल टू ए सिंगल बायर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड 50 लाख। अब यहाँ पर दोस्तों ये वाली जो 50 लाख की लिमिट है ये चेक करने के लिए आपको करंट फाइनेंशियल ईयर ही देखना है। देखिए, वहाँ पर आपको जो टर्नओवर चेक करना था तो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर नहीं देखना था, उसका जो इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखना था। तो जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है 22-23 है, तो इस केस में आपने फाइनेंशियल ईयर 21-22 को देखा था जब टर्नओवर चेक की थी। और जब आपको ये जो 50 लाख रुपये आपको सिंगल बायर से रिसीव हुआ है उसकी सेल के अगेंस्ट, वो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में देखना है 22-23। तो ये जब तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई आपकी कर जाएंगी तो उस केस में आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे एज ए सेलर बायर से TCS कलेक्ट करने के लिए। तो आपका अगर इसमें से सपोज करें आपकी पिछले साल में, अगर मैं 22-23 की बात कर रहा हूँ, अगर आपका 21-22 में 10 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर नहीं था, बट यहाँ पे आपका किसी एक वेंडर से जिसको आपने माल सेल किया है, कस्टमर से आपको 50 लाख रुपए से ज़्यादा रिसीव हो रहा है, तब भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको उससे TCS कलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जो पहली आपकी कंडीशन है 10 करोड़ की कंडीशन है, 10 करोड़ से ज़्यादा का सेल आपका पिछले साल में इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन के लिए, इसकी एप्लीकेबिलिटी का होना आपको वो मालूम होना ज़रूरी है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है। तो 10 करोड़ की कंडीशन आप ध्यान रखिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, और जो आपको पैसा रिसीव हो रहा है आपके कस्टमर से वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कस्टमर वाइज देखते हैं, सपोज आपके 3 या 4 कस्टमर हैं, किसी एक कस्टमर से 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो रहा है, आपका 10 करोड़ से ज़्यादा भी था पिछले साल में टर्नओवर, तो उस कस्टमर से आप जो है 50 लाख से ऊपर जो भी होगा उससे TCS कलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए आगे और इसको डिटेल में हम समझते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया TCS ऑन द सेल ऑफ गुड अंडर इनकम टैक्स ये जो है एप्लीकेबल हुआ था 1 अक्टूबर 2020 से, ये जो सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया गया था, TCS ऑन सेल ऑफ गुड इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट अबव 50 लाख। तो यहाँ पर आपको जो इसकी कैलकुलेशन करनी है वो 50 लाख रुपए से ऊपर कैलकुलेशन करनी है। सपोज किसी कस्टमर से आपको जब जिसको आपने सेल गुड सेल किए जब आपने, और जो सामने वाली पार्टी जो आपसे परचेज कर रही है उससे, उसने आपको सपोज करें 60 लाख रुपया दे दिया किसी साल में, तो आपको जो है 50 लाख से ऊपर मीन्स 60 माइनस 50 लेस करने के बाद जो 10 लाख रुपये बचेगा
उसके ऊपर आपको टीसीएस जो है कलेक्ट करना है, ना कि पूरी अमाउंट के ऊपर ही कलेक्ट करना है। तो आप ध्यान रखें 50 लाख से ज़्यादा जितना भी ऊपर होगा, अगर 70 लाख है तो 20 लाख में कर लेंगे, 80 लाख है तो आप 30 लाख रुपए में कर लेंगे। इसी तरीके से अगर 1 करोड़ आपको मिला है तो 1 करोड़ माइनस 50 लाख, तो 50 लाख के ऊपर जो भी रेट एप्लीकेबल होगा उसके हिसाब से आप जो टीसीएस कलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ एक चीज़ और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताई है, जो टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा सेलर के द्वारा यहाँ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेलर की है टीसीएस कलेक्ट करने की बायर से, वो शिफ्ट बेसिस करेगा, ना नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस के बेस पे नहीं करेगा और शिफ्ट बेसिस पे करेगा। अब मैं इसको सिंपली आपको समझा देता हूँ। सपोज करें आपने फाइनेंशियल ईयर 2021 में ले लेता हूँ, 21-22 ले लेता हूँ और एक मैं 22-23 ले लेता हूँ। अब सपोज करें यहाँ 40 लाख रुपए की आपने मिस्टर ए है कोई, उनको बिलिंग कर दी आपने, मिस्टर ए को जो है गुड सेल कर दिए फाइनेंशियल ईयर 2021 में 40 लाख के। उसके बाद 21-22 में आपने इसको 60 लाख के गुड सेल कर दिए, तो आप 2021 में जो आपने माल सेल किया उसका पैसा आपको मिला नहीं, 21-22 में भी आपने उसको पैसा माल सेल कर दिया, गुड सेल कर दिया, आपको पैसा मिला नहीं। बट 22-23 में जाकर आपको जो है सपोज करें 70 लाख रुपया रिसीव हो गया, तो देखिए 2021 में आपकी किसी भी तरीके की टीसीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कलेक्ट करने की, क्योंकि आपको पैसा मिला नहीं है। यहाँ पर जो एप्लीकेबिलिटी होती है टीसीएस की वो शिफ्ट बेसिस पे होती है, ना कि इनवॉइस बेसिस पे। तो इनवॉइस रेज करने से नहीं होगा, जो उसके अगेंस्ट पैसा रिसीव होगा तभी होगा। तो 21-22 में भी आपने इनवॉइस रेज किया, पैसा आपको कुछ मिला नहीं, तो नया नहीं एप्लीकेबल होगा। अब 22-23 में आपको 70 लाख रुपया मिला, तो इसमें से आप 50 लाख रुपये लेस करके 20 लाख रुपये जो होगा उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इसका यह मतलब है। और यहाँ पर जो सेल कंसिडरेशन बताया गया दोस्तों, यहाँ पर मीन्स इनवॉइस अमाउंट बेसिक प्लस जीएसटी। अभी जो टीसीएस आपको कलेक्ट करना है, जो आपकी जो टोटल अमाउंट है मीन्स बेसिक प्लस जीएसटी मिला के जो आप टोटल इनवॉइस रेज करते हो, टोटल अमाउंट के ऊपर आपको जो है ये टीसीएस का जो भी परसेंटेज होगा वो आपको कलेक्ट करना है टोटल अमाउंट के ऊपर। तो यहाँ पर ये भी बताया है मैंने इस नोट में कि किसी भी तरीके की एडजस्टमेंट, सेल रिटर्न, डिस्काउंट, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडिंग जीएसटी, इस तरीके की कोई भी एडजस्टमेंट आपको सेल के अंदर नहीं करनी है। मीन्स आपने एक बार इनवॉइस रेज कर दिया, उसकी जो अमाउंट आपने फाइनल कर दी, उसके बाद उसमें कुछ अगर आप एडजस्टमेंट भी करते हैं तो वो आप एडजस्टमेंट नहीं कंसिडर करेंगे। वो जो टोटल अमाउंट आपने इनवॉइस एक बार रेज कर दिया उसके अगेंस्ट जो पैसा आया है वो इनवॉइस की अमाउंट मिला के ही आप जो टीसीएस है वो कलेक्ट करेंगे। अब आगे हम इसका रेट समझ लेते हैं, टीसीएस का रेट क्या रहेगा इस सेक्शन के अंदर। अब देखिए टीसीएस के जो दो रेट हैं, एक तो ये है कि अगर आपका जो बायर है जिसको आप गुड सेल कर रहे हैं, अगर आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड फर्निश कर देता है तो उस केस में तो रेट रहेगा 0.1%। अगर वो फर्निश नहीं करता है तो उस केस में आप उससे 1% टीसीएस रिकवर करेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जो मैक्सिमम केसेस है 99% जो टीसीएस का रेट रहेगा वो 0.1% ही रहेगा, क्योंकि कोई भी पर्सन जो बिजनेस कर रहा है ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पास जो है पैन या आधार नहीं होगा, और आप जब उससे ये पैन या आधार की डिमांड करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ टीसीएस और वो आपको नहीं देगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो इसमें मैक्सिमम 99.9% आप मान के चलिए कि जो आपका रेट रहने वाला है वो 0.1% ही रहने वाला है टीसीएस का। अब आगे हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल से इसकी क्लैरिटी मैं आपको कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ मैंने एक एग्जांपल ले लिया, इस एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक सेलर था, उसका जो टर्नओवर था वो 11 करोड़ रुपए का था इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22। अब यहाँ जो एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 22-23 का लेके चल रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में हम बात कर रहे हैं, तो जो एक सेलर है उसने जो टर्नओवर था उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 में वो 11 करोड़ रुपए का था, एंड द कंसिडरेशन रिसीव्ड इज 60 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23 फ्रॉम बायर ए। अब जो बायर ए है उससे उसने 22-23 में सेलर ने 60 लाख रुपए रिसीव किया, देन टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड ऑन 10 लाख ओनली ओवर एंड अबव 50 लाख। ये दोस्तों मैं आपको पीछे बता ही चुका हूँ कि 50 लाख रुपए से ऊपर जो भी होगा उसके ऊपर टैक्स जो है कलेक्ट किया जाएगा 10 लाख के ऊपर। और उसने पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी है कि जो इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर था उसका 21-22 उसमें उसने 10 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर कर दी है। तो ये दोनों ही कंडीशन जो है इस सेलर ने सेटिस्फाई कर दी हैं, क्योंकि उसका जो पिछले साल में 10 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर भी है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। और यहीं उसको 22-23 में किसी एक बायर से, मिस्टर ए से जो है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा भी रिसीव हो रहा है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने की वजह से जो 50 लाख से जो ज़्यादा उसको रिसीव हो रहा है 10 लाख रुपए उसके ऊपर वो टीसीएस कलेक्ट कर लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ एग्जांपल के द्वारा मैंने आपको यहाँ बताया है। अब सेल जो की गई थी बायर को, मिस्टर ए को, इस तरीके से की गई थी। फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो है 40 लाख रुपए की सेल की गई, तो 40 लाख रुपए की सेल की, सेल के केस में तो जब आप इनवॉइस रेज करते हो उस टाइम तो कोई टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी है नहीं, क्योंकि रिसिप्ट बेसिस पे होता है। तो रिसिप्ट यहाँ पर कुछ हाई नहीं 21-22 में, तो देखिए किसी भी तरीके का यहाँ टीसीएस लगेगा नहीं। अब सिमिलरली 21-22 है, 21-22 में फिर से जो है 30 लाख रुपए की सेल कर दी गई मिस्टर ए को, तो यहाँ पर भी इनवॉइस रेज कर दिया गया 30 लाख का, लेकिन अमाउंट कुछ आया नहीं, तो यहाँ पर भी टीसीएस एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। अब 22-23 में देखिए, 22-23 में उसने सेल कुछ नहीं की, यहाँ पर सेल जो है बायर को कुछ नहीं किया गया सेलर के द्वारा, बट यहाँ पे 60 लाख उसको रिसीव हो गया।
तो जो उसने ऑलरेडी पिछले दो सालों में सेल की थी 70 लाख, उसके अगेंस्ट उसको 60 लाख रुपया यहाँ रिसीव हो गया। तो अब जो है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपको जो है 0.1% के हिसाब से जो भी 50 लाख रुपए आएगा उसके ऊपर जो है, अब क्योंकि यहाँ 60 लाख आपको मिला है, इसमें से आप 50 लाख रुपए लेस कर देंगे, जो 10 लाख रुपए है इसके ऊपर क्या है 0.1% के हिसाब से आप जो है TCS कलेक्ट कर लेंगे 1000 रुपया जो भी मिस्टर है उनसे। तो देखिए दोस्तों, ये आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो गई होगी इसमें कि क्या क्या कंडीशन होंगी जब जो है सेलर के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा और किस सिचुएशन के अंदर कलेक्ट किया जाएगा। ये एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। अब चलिए इस एग्जांपल को हम एक बार देख लेते हैं कि इसको कंप्यूट कैसे किया जाएगा। अब जो ये TCS जो कलेक्ट किया जाएगा सेलर के द्वारा बायर से, अब इसकी सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो डिपॉजिट करवा देगा गवर्नमेंट को, और वो इस तरीके से इसको कंप्यूट भी कर सकता है। अब देखिए, कंप्यूट करने के दो तरीके हो सकते हैं TCS को। अब सपोज करें पहली सिचुएशन में, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि 60 लाख रुपया मिस्टर ए से जो है 22-23 में रिसीव हुआ था सेलर को। अब देखिए ये दो सिचुएशंस की हो सकती हैं। तो आपको मैंने बता ही दिया कि 50 लाख रुपए से ज़्यादा जो रिसीव होगा उसी के ऊपर TCS लगना है, तो 60 में से 50 मैंने लेस कर दिया तो 10 लाख रुपए के ऊपर TCS लगना है। तो अब इसमें हम दो तरीके से इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो एक तो हम मान सकते हैं कि जो ये आपको अमाउंट मिला है 10 लाख रुपया, ये इंक्लूसिव ऑफ TCS है, मीन्स इसके अंदर TCS इंक्लूड है। तो आप इसकी रिवर्स कैलकुलेशन कर लीजिए, मीन्स ये 10 लाख रुपये जो है इसमें 100.10 से इसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आप मान के चल रहे हैं कि इसमें 0.1% TCS जो है इंक्लूड है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.1 से, तो ये आपका TCS का अमाउंट निकल आएगा। तो कहने का मतलब ये है 10 लाख रुपए जो आपको मिला उसमें से माइनस 999 रुपये तो आपका TCS था, तो इसका मतलब जो बाकी अमाउंट था, जो भी बैलेंस इसमें बचेगा 10 लाख में से, जो 999 लेस करने के बाद जो भी बचेगा वो आपका जो है सेल के अगेंस्ट आपको पैसा मिला था। तो एक तो ये तरीका है होता है इसका कैलकुलेट करने का, या आप क्या दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, दूसरा आप मान सकते हैं कि जो ये आपको 10 लाख रुपया मिला है ये एक्सक्लूसिव ऑफ TCS मिला है, मीन्स आपको इसके अंदर TCS नहीं मिला है। तो आप उसमें सीधा सीधा क्या करेंगे, 60 में से 50 लेस कर देंगे, तो 10 लाख रुपये के ऊपर आपको TCS जो है कलेक्ट करना है, तो आप सीधा 10 लाख के ऊपर 0.1% लगा दीजिए, तो 1000 रुपये आप जो है TCS जो है कलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका बायर है मिस्टर ए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप जो है अपने बायर को एक डेबिट नोट रेज कर देंगे, और उसकी जर्नल एंट्री भी देखिए मैंने आपको यहाँ बना के दिखा दी है। जब डेबिट नोट आप रेज करेंगे इस 1000 रुपये के लिए या इस 999 रुपये के लिए, तो आप क्या करेंगे, बायर को डेबिट कर देंगे मिस्टर ए को 1000 रुपये से, और अपनी बुक में जो TCS की लायबिलिटी है 1000 रुपये उसको खड़ी कर लेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे, और जैसे ही बायर से पैसा आ जाएगा तो आप बैंक में उसको डेबिट कर देंगे और मिस्टर जो ए है उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि मिस्टर ए ने आपको ये जो TCS का पैसा था वो आपको दे दिया है। तो अब आपकी जो लायबिलिटी बनती है ये TCS की, ये डिपॉजिट करवाने की बनती है, ये आपका जो फॉलोइंग मंथ होगा उसमें ये TCS आप गवर्नमेंट को जमा करवा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी बुक्स के अंदर जो भी आपका TCS का अमाउंट है उसकी एंट्री आप अपनी बुक्स के अंदर कर सकते हैं। इसको आप इंक्लूसिव ऑफ TCS भी मान सकते हैं, जैसा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी आपके बायर के साथ, या फिर आप सेपरेटली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और दोनों ही सिचुएशन में आप डेबिट नोट रेज कर देंगे बायर को, क्योंकि ये जो है रिसिप्ट बेसिस पे है, इनवॉइस बेसिस पे नहीं है। अब फाइनली चलिए अब इसकी कुछ हम एक्सेप्शंस देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, अब ये जो सेक्शन है इन सिचुएशन में एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। अगर आप गुड्स का एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपने जो सेल किया है और आप सामने वाला पर्सन जो आपसे खरीद रहा है, अगर बायर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, एम्बेसी है, हाई कमीशन है, या फिर कोई फॉरेन स्टेट है या लोकल अथॉरिटी है, तब भी उस पर्सन से आप TCS कलेक्ट नहीं करेंगे, ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा कोई पर्सन है जिसको नोटिफाई किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो भी यहाँ इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सिमिलरली इफ़ TDS डिडक्टेड किया जा रहा है बायर के द्वारा अंडर वेरियस सेक्शन, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है 194Q के अंदर। अब क्या होता है 194Q के अंदर भी जो बायर है वो TDS आपका डिडक्ट कर लेता है 50 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर वो आपसे परचेज करता है। तो इसी ट्रांजैक्शन के अंदर अगर बायर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है TDS डिडक्ट करने की 194Q सेक्शन के अंदर, तो उस केस में फिर आप TCS जो है उसके ऊपर डिडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसी ट्रांजैक्शन के ऊपर ऑलरेडी वो भी TDS डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है उन्हीं ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर सामने वाला पर्सन जो बायर है आपका TDS डिडक्ट कर रहा है, जैसे 194Q उसका बेस्ट एग्जांपल है, तो आपको जो है TCS कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे कुछ गुड्स बताए गए हैं, जैसे टिम्बर हो गया, तेंदू लीव हो गया, फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गया, स्क्रैप मिनरल वगैरह हो गया, ये जो है ऑलरेडी कवर है सेक्शन 206 सबसेक्शन 1, 1C, 1F और 1G के अंदर, मींस इनका दूसरे सेक्शंस के अंदर ऑलरेडी इनके ऊपर TCS कलेक्ट किया जा रहा है, तो इनके इस सेक्शन के अंदर इनके ऊपर TCS कलेक्ट नहीं किया जाएगा। और सिमिलरली कोई ब्रांच ट्रांसफर अगर किया जा रहा है हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में, जो हेड ऑफिस है सपोज करें आपका किसी और स्टेट में है, या ब्रांच किसी और स्टेट में है, या सेम स्टेट में भी है, उनके बीच में जो गुड्स की ट्रांसफर होती है उनके ऊपर TCS की एप्लीकेबिलिटी नहीं होने वाली है। तो अब इसके कुछ हम दूसरे प्रोविजन भी देख लेते हैं दोस्तों, जहां मैंने आपको बताया है कि इसकी कब कब आपको इसको डिपॉजिट करवाना है। तो आपका जो TCS जो भी आपके द्वारा कलेक्ट किया जाएगा बायर से, वो फॉलोइंग मंथ में 7 तारीख तक आपको डिपॉजिट करवा देना है। ये सेम TDS की तरह ही है, जैसे कि सपोज करें आपने
अप्रैल में जो कोई भी TDS अगर डिडक्ट करते हैं तो 7 मई तक आपको TDS डिपॉजिट करवाना होता है। ऐसे ही आप जो भी TCS कलेक्ट करेंगे बाहर से आप अगले महीने की 7 तारीख तक इसको डिपॉजिट करवा देंगे। और एक इसकी क्वार्टरली रिटर्न भी जाएगी जैसे TDS की जाती है, तो इसकी जो क्वार्टरली रिटर्न का फॉर्म होता है वो 27EQ होती है और वो 15 दिन के अंदर आपको सबमिट करानी होती है फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। अगर मैं करंट क्वार्टर की बात करूँ तो मेरा जुलाई अगस्त सितंबर चल रहा है, तो आपको 15 अक्टूबर तक जो है इसकी रिटर्न जो है वो जमा करवा देनी है। और इसके लिए जो भी सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा आपको, जो भी आप TCS कलेक्ट कर रहे हैं बायर से, उसके लिए आप उसको सर्टिफिकेट इशू करेंगे, वो फॉर्म 27D कहलाता है। तो इसी तरीके से देखिए मैंने एक यहाँ पे दोस्तों पेनल्टी का क्लॉज भी रखा हुआ है, बताया आपको अगर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो जो TCS है वो कलेक्ट करेगा या वो TCS की रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करता या कलेक्ट नहीं करता या कलेक्ट करता है, तो जो TCS की रिटर्न है वो ड्यू डेट में फाइल नहीं करता है, तो उस केस में उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। और वो पेनल्टी जो है मिनिमम 10,000 रुपये से लेके मैक्सिमम 1,00,000 रुपये तक हो सकती है अंडर सेक्शन 271H के तहत। तो देखिए दोस्तों सेक्शन 206C सब सेक्शन 1H के अंदर मैंने सारी ही प्रोविज़न आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, जहाँ मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको TCS कलेक्ट करना है, कैसे आपको बुक्स में एंट्री करनी है, कब ये एप्लीकेबल होगा, किसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, क्या रेट रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें ही मैंने बताने की कोशिश की है और आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने की कोशिश की है। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपका कोई डाउट है इसको लेके, तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड प्रेस ऑल सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।